संदिग्ध परिस्थितियों में बैंक में लगी आग, सभी दस्तावेज जले। आग कैसे लगा या लगाया गया अब तक नहीं हो पाया है खुलासा। सूचना के दो घंटे बाद पहुंचा दमकल। नमस्कार, मैं हूं ग्यासुद्दीन लसानी, स्वागत करता हूं आप सबका पीडी न्यूज दबीजुआ की दास्तां में। आइए खबरों को विस्तार से देखते हैं। संदिग्ध परिस्थितियों में आजमनगर थाना क्षेत्र के सेंट्रल बैंक बगछल्ला शाखा में आग लगी, जिससे सभी दस्तावेज व विद्युत उपकरण जल गए। सूचना के दो घंटे बाद बारसोई से पहुंचे फायर ब्रिगेड कर्मी, तब तक ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पा लिया गया था। आग लगने की वजह का पता नहीं चल सका है। खबर लिखे जाने तक सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद कई खुलासे होंगे। इस घटना के सिलसिले में जैसे ही कोई खुलासा होता है तो सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक देखते रहिए पीडी न्यूज दबी जुबां की दास्तां। पीडी न्यूज दबी जुबां की दास्तां के लिए सूरज कुमार की रिपोर्ट। असिस्टेंट मैनेजर का बयान लिया बोला कि हम लोग घर चले गए थे ताला मार के 5:30 बजे 17 तारीख को, 18 से बैंक छुट्टी है। अंदर घुस के फोन क्या किया तो अंदर घुसने के लिए तो बैंक उसी दिन कैमरा चालू किया ना। देखिए क्या होता है पता नहीं।